वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती एवं अक्षय तृतीया का पावन पर्व 3 मई दिन मंगलवार को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय या नाश न हो। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ खरीदारी या शुभ कार्य करने पर हमेशा इसमें वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने, दान स्नान और जप आदि करने पर कभी भी शुभ फल की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंश रूप में अवतरित हुए थे। अक्षय तृतीया पर दिवाली की तरह मां लक्ष्मी का पूजन और कुछ उपाय धन समृद्धिदायक होते हैं। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य अक्षय फल प्रदायक होता है। आज से ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ की तीर्थयात्रा भी प्रारंभ की जाती है। आज ही के दिन संकल्प लेकर के किसी भी कार्य का आरंभ करना अक्षय लाभ की प्राप्ति कराता है। अक्षय प्रेम की प्राप्ति के निमित्त नव युवक युवती अक्षय तृतीया के दिन वैवाहिक जीवन का आरंभ भी करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण आदि के आभूषणों की खरीदारी भी की जाती है। साथ ही किसी भी व्यापार का आरंभ करना भी शुभ फल प्रदायक होता है। आज के दिन 5 कार्य घर में बढ़ाते हैं सुख संपन्नता। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई ना कोई धातु अवश्य खरीदनी चाहिए। यदि बाहर जाते हैं तो घर में खाली हाथ प्रवेश नहीं करना चाहिए, यह शुभ फल प्रदायक नहीं होता है। अर्थात जब भी आप बाहर से घर में प्रवेश करें तो हाथ खाली नहीं होना चाहिए। यदि आप सक्षम नहीं हैं, धातु नहीं खरीद सकते, तो मिष्ठान अथवा फल लेकर घर में प्रवेश करें। अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है और घर में शुभता बढ़ती है। इस दिन घर की तिजोरी एवं पूजा स्थान के पास गाय के घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की परम कृपा प्राप्त होती है। दीपावली की तरह इस दिन भी साफ सफाई एवं पवित्रता का विशेष ध्यान देने से घर में धन धान्य सुख संपन्नता में वृद्धि होती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन भूल कर भी असात्विक भोजन न किया जाए। इस दिन पूरे परिवार के साथ पूजा आदि से निवृत्त होकर एक साथ प्रसन्नतापूर्वक भगवान परशुराम को चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे घर में खुशियां बढ़ती हैं। अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय उत्तरमुखी होकर लाल आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है। पूजन शुरू करने से पहले एक लाल कपड़े पर लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करके उनके सम्मुख 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ रखें एवं शुद्ध घी का दीपक जला लें। अब लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करके हर कौड़ी पर सिंदूर चढ़ाएं तथा लाल चंदन की माला से निम्न में से एक मंत्र की 5 माला का जाप करें। इस प्रकार के पूजन से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा आपके जीवन की आर्थिक समस्या का समाधान हो जाता है। ओम आद्य लक्ष्मीयै नमः। ओम विद्या लक्ष्मीयै नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मीयै नमः। ओम अमृत लक्ष्मीयै नमः। ओम पहिनी पक्षनेत्री पक्षमना लक्ष्मी दाहिनी वाच्छा भूत प्रेत सर्वशत्रुहारिणी दर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विशिंग अ वेरी हैप्पी अक्षय तृतीया टू यू एंड योर फैमिली। विशिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड माँ लक्ष्मी फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। Thank you so much once again. If you like this video, please subscribe. Life is precious.